झारखंड दौरे पर आए भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री कर्मवीर के अलावा पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर मंत्रणा करने में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हमारा भगवान है और इसके मान सम्मान का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसी मूल मंत्र के साथ वे झारखंड में काम करने आए हैं। कोई मंथन नहीं, कोई बैठक केवल परिचय की बैठक, कोई मंथन अभी पहले राउंड में नहीं। पहले राउंड में तो कार्यकर्ता से रूबरू हुए, कार्यकर्ता को से खुद को भी रूबरू, उनसे भी हम रूबरू हुए। इसके अलावा आज भी जो ये बैठक थी केवल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों के संयोजकों के साथ परिचय की बैठक थी। कोई टास्क भी दिया गया? नहीं, कोई टास्क नहीं। टास्क तो सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। वो एक इतना बड़ा टास्क है कि अगर हमने उसको पूरा कर लिया तो 80% जनता से हमारा संपर्क सीधे हो जाएगा। झारखंड में भाजपा कमजोर बिल्कुल नहीं है। चुनाव की हार जीत तो अपनी जगह अलग होती है, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 14 लोकसभा सीट जीतेगी, अगली सरकार भी प्रदेश में भाजपा बनेगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर में जो गुटबाजी जो जिस तरह से है तो उस पर किस तरह का? ये गुटबाजी आपके एंगल से होगी, आपकी निगाह से होगी। बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता एक है, जो कार्यकर्ता एक है बूथ पर तो चुनाव का परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आएगा। सेवा पखवाड़ा चल रहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमको सेवा पखवाड़ा का टास्क दिया हुआ है, वो टास्क हम पूरा कर लें 2 अक्टूबर के बाद बात करेंगे।